नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीप टेक लर्निंग में। आज की इस वीडियो में हम ई ग्राम स्वराज में कैश बुक रिपोर्ट होम पेज और लॉगिन पेज पर देखेंगे। इसके लिए हम ई ग्राम स्वराज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ई ग्राम स्वराज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ई ग्राम स्वराज की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज आपके सामने होगा। आप इस होम पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने पर नीचे दिए गए रिपोर्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे और इसमें नीचे अकाउंटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इसमें तीसरे ऑप्शन अकाउंटिंग एंटिटी वाइज रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और इसके नीचे दिए गए सेकंड ऑप्शन कैश बुक रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। कैश बुक रिपोर्ट पर क्लिक करने पर हमें एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें कैश बुक रिपोर्ट हम स्कीम वाइज और मंथ वाइज निकाल सकते हैं। पहले हम मंथ वाइज रिपोर्ट निकालेंगे, जिसके लिए मंथ वाइज चेकबॉक्स को चेक करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट, उसके बाद अकाउंटिंग एंटिटी में आप डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम, उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद विलेज में ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद जिस मंथ की आप कैश बुक देखना चाहते हैं वो मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दिए गए कैप्चा को एंटर करेंगे। नीचे गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। गेट रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद उस सिलेक्टेड मंथ की कैश बुक आपके सामने ओपन हो जाएगी। यह रिपोर्ट मंथ वाइज होगी। यदि हम रिपोर्ट को स्कीम वाइज देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम उसी फॉर्म पर जाएंगे। यहाँ पर हमने मंथ वाली रिपोर्ट निकाली है। स्कीम वाइज के लिए हम उसी फॉर्म पर जाएंगे और ऊपर स्कीम ऑप्शन को टिक करेंगे। उसके बाद मंथ, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, ठीक उसी तरह स्टेट, अकाउंटिंग एंटिटी में विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक और विलेज में ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्कीम्स लिस्ट ओपन होगी। इसमें हम स्कीम को सेलेक्ट करेंगे। अभी हम यहाँ केवल एक स्कीम को सेलेक्ट करेंगे और उसकी कैश बुक को देखेंगे। उसके बाद हम एक और उससे ज़्यादा स्कीमों को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम कैप्चा एंटर करेंगे। अभी हमने 15FC कि कैश बुक देखेंगे। गेट रिपोर्ट पर क्लिक करने पर आपको 15 वित्त आयोग की कैश बुक उस महीने की शो होगी। यहाँ पर नीचे मंथ ऑफ अप्रैल और स्कीम नेम जो हमने सेलेक्ट किया वो शो होगा और उस स्कीम की सारी ट्रांजैक्शन उस मंथ की यहाँ आपको शो होगी। ठीक इसी तरह से हम स्कीम में एक से ज़्यादा
सेलेक्ट करने के लिए आप एक स्क्रीन पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और उसी तरह से दूसरी स्क्रीन को माउस से सेलेक्ट करेंगे और उसी तरह से तीसरी और इससे ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड को कंट्रोल की को दबाए रखना है। सभी स्कीम सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल की को छोड़ना है। जैसे कि मैंने अभी कंट्रोल की प्रेस की हुई है और एक एक करके मैं स्कीम को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने कंट्रोल की छोड़ दी है, उसके बाद मैं यहाँ कैप्चा एंटर करूँगा। कैप्चा एंटर करने के बाद गेट रिपोर्ट करेंगे और इस तरह से आपकी मंथ वाइज और नीचे जो स्कीम हमने सेलेक्ट की थी उन स्कीमों की उस महीने की कैश बुक ओपन होगी। आप इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप ग्राम पंचायतों की मंथली कैश बुक रिपोर्ट को स्कीम वाइज और मंथ वाइज यहाँ से देख सकते हैं। अब हम यहाँ अकाउंटिंग एंटिटी को चेंज करके ब्लॉक पंचायत की कैश बुक देखते हैं। इसमें हमने ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट नेम और ब्लॉक और उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर भी हम ब्लॉक की स्कीम वाइज कैश बुक चेक करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद मंथ और नीचे स्कीम को सेलेक्ट करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद गेट रिपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे और इस तरह से उस ब्लॉक की मंथ और स्कीम वाइज कैश बुक ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार से आप जिला परिषद की भी कैश बुक चेक कर सकते हैं। ये कैश बुक कोई भी सिटीज़न यहाँ से चेक कर सकता है। यह इस साइट के होम पेज पे है। अब हम इसे लॉगिन में जाकर देखेंगे। इसके लिए लॉगिन एवं एंटर जा करके लेफ्ट साइड में रिपोर्ट वाले सेक्शन पे जाकर फाइनेंशियल ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट और अकाउंटिंग रिपोर्ट पर जाएंगे और इसके नीचे दिए गए मंथली कैश बुक पर क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरह का फॉर्म यहाँ भी ओपन होगा। यहाँ मंथ सेलेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर रिपोर्ट टाइप में फ्रीज्ड और ऑल वाउचर टाइप, गेट रिपोर्ट पर क्लिक करने पर ठीक उसी तरह की कैश बुक यहाँ भी शो होगी। ये रिपोर्ट हम लॉगिन में जाकर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।